मुंबई के चेंबूर एरिया में लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। 11 बजे उनका लाइव कॉन्सर्ट खत्म हुआ, जिसके बाद वो बैक स्टेज सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन कुछ फैंस ने उन्हें घेर लिया और सेल्फी के लिए उनके साथ जबरदस्ती करने लगे, जिसके चलते सोनू निगम पर एक अटैक लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई और वहां पर मौजूद वॉलंटियर्स और सोनू निगम के जो साथ में थे वो सब उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच गए। इसी हाथापाई के बीच में सोनू निगम के साथ जो मौजूद थे उनको किसी ने धक्का दे दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गए और उन्हें बहुत बुरी तरह चोट लगी और इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इस सिचुएशन की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और सोनू निगम ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए इन सभी के अगेंस्ट एक FIR फाइल कर दी और पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोनू निगम पर ये जो अटैक हुआ वो देखकर सभी शॉक्ड रह गए और ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फी या फिर ऑटोग्राफ के लिए ही किया गया है। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि जिन्होंने धक्का दिया था वो किसी MLA के बेटे हैं और सोनू निगम खुद ये बात नहीं जानते थे। सोनू निगम को भी थोड़ी सी चोटें आई हैं, लेकिन उन्हें आज सुबह ही एयरपोर्ट पर कैप्चर किया गया, जहां पर उन्होंने इस इशू के बारे में बात करते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी है और पुलिस अब अपना काम करेगी। ये शॉकिंग वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो चुका है और फैंस कह रहे हैं कि इंडिया में आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट कम होती जा रही है और ये बहुत ही गलत चीज है। आज ये इंसिडेंट सोनू निगम के साथ हुआ है, फिर किसी के भी साथ हो सकता है और इसे यहीं रोक देना चाहिए।